न्यूज पर हाजिर हूं, मेरा नाम है इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। सियासी खबरों को देश की डीकोड करेंगे आज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। स्टूडियो में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। दिखाइए जरा दोनों मेहमानों को, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और दिबा। तो आज जिस खबर की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। आज महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बैठक करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। उससे पहले एबीपी न्यूज पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 20, एनसीपी शरद पवार गुट 6 और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये वो फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन में जिसको लेकर सहमति तय पाई गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी। तब शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में अगर बात की जाए, एनसीपी और कांग्रेस साथ थे। एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और ऐसे में अब यह समीकरण बदलता हुआ सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं जैनेन्द्र से। जैनेन्द्र, इंडिया गठबंधन राज्यवार तरीके से ये सीटों का पेच सुलझाने के लिए बैठक दर बैठक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी क्रम में आज पहले महाराष्ट्र की बैठक। बिल्कुल, महाराष्ट्र की बैठक 4 बजे है जिसमें कि कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रभारी है रमेश चेन्नीथला वो रहेंगे। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के नेता मौजूद रहेंगे और जो 48 सीटें हैं उसको लेकर के सीट बंटवारे का खाका, जो एक संभावित फॉर्मूला जो हमने बताया दिया दर्शकों को, 20-20 सीटें कांग्रेस और शिवसेना, 6 सीट एनसीपी और 2 सीट बहुजन वंचित अघाड़ी के लिए छोड़ी जा सकती है, इसको इसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। और जो इस पर सीट बंटवारे पर जो मुहर है, हालांकि देखिए वो जो पार्टियों की टॉप लीडरशिप है वो लगाएगी, लेकिन एक औपचारिक चर्चा जो है वो सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र की हो जाएगी। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों पर जो सीट बंटवारा होना है इंडिया गठबंधन में, यानी मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उनकी बैठक भी 6 बजे से है जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर तेजी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा बीते 2 दिनों में पहले बिहार को लेकर के आरजेडी से चर्चा हुई, फिर आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा हुई जिसमें दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और आज 128 सीटों को लेकर के सीट बंटवारे की तस्वीर औपचारिक तौर पर साफ हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक मुहर का इंतजार अभी भी रहेगा, पहले महाराष्ट्र की 48 सीटें और फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर के आज मेरे साथ जनेन्द्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं ना कि राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन सीट का जो पेच है उसको सुलझाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए अभी जो बताया है जैनेन्द्र ने, महाराष्ट्र के बाद आज ही उत्तर प्रदेश को लेकर भी सीट बंटवारे पर मंथन होगा। मुकुल वासनिक के आवास पर ही ये तमाम बैठकें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा मुकुल वासनिक के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे जिसमें सपा से महासचिव रामगोपाल यादव, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर और अपडेट के लिए सीधे एक बार फिर जैनेन्द्र का रुख करेंगे। तो जैनेन्द्र, पहले महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, तो मतलब 80 सीटें यूपी वाली, 48 सीटें महाराष्ट्र वाली, क्या माना जाए आज ही फॉर्मूला बन जाएगा, सहमति हो जाएगी और क्या राज्य दर राज्य ये जानकारियां मीडिया के साथ साझा की जाएंगी या फिर जब पूरा का पूरा पेज सुलझ जाएगा उसके बाद ही पूरी तस्वीर एक साथ एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी? जैने, देखिए फिलहाल तो जो आपने देखा होगा कि गठबंधन की सीट शेडिंग को लेकर के बैठक के बाद जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें सीटों की संख्या को लेकर के, सीटों के नाम को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अच्छी चर्चा हुई, तो यही चीज आज भी रहने वाली है। जब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लग जाएगी सीटों की संख्या को लेकर, नाम को लेकर के, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य को लेकर के सीट संख्या को लेकर के ऐलान करेंगे इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल है उनके नेता।
लेकिन औपचारिक तौर पर बातचीत जो है वो जब हो जाएगी तो सूत्रों के हवाले से छनकर खबरें जरूर आ जाएंगी। बड़ी बात एक ये भी है कि ये जो चर्चा हो रही है इसके बाद जो पार्टियों के टॉप लीडरशिप है, जैसे कांग्रेस में शरद पवार कांग्रेस में खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शीर्ष स्तर पर भी एक दौर की वार्ता संभावित है, इसके संकेत हैं। लेकिन उसकी जो बुनियाद होगी वो आज जो बैठक हो रही है या कल जो बैठक हुई, परसों जो बैठक हुई, उसमें उस एक खाका खींच लिया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर के, जहां जहां पेच फंसेगा वहां पर टॉप लीडरशिप एक बार बात करके मामले को सुलझाएगी और इसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मिसाल के लिए आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के जो बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनके बीच में आज चर्चा होनी है। पहले यह जानकारी थी कि आरएलडी के नेता भी बैठक में रह सकते हैं, लेकिन अभी ये ताजा जानकारी मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ कि आज की बैठक में आरएलडी के नेता मौजूद नहीं रहेंगे। मेरे सूत्रों ने बताया है कि आरएलडी से सलमान खुर्शीद अलग से बातचीत करेंगे कि आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग कैसे किया जाए। तो अलग अलग स्तर से अलग अलग तरीके से ये चर्चा की जा रही है और इसके बाद जब खाका फाइनल हो जाएगा, मोहर लग जाएगी, इसके बाद ही सीटों की संख्या को लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जैनेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र यहाँ पर जैनेन्द्र कर रहे थे वो ये कि मोटे तौर पर एक तरीके से जो सहमति है वो राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जिस जिस राज्य में जिस पार्टी का प्रभाव है, वो बैठ रहे हैं आपस में और मामले को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कहीं मामला अटकेगा उसके बाद जो शीर्ष नेता हैं वो फिर कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।